नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। ऐसा लगने लगा है कि सितंबर में एक बार फिर से जल प्रलय रिटर्न हो सकता है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि मॉनसून अभी सक्रिय है। न सिर्फ सक्रिय है बल्कि कहर भी बरपा रहा है। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई तो वहीं उड़ीसा से बंगाल तक भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में कल बादल फटने से भारी तबाही हुई। सबसे ज्यादा तबाही धारचूला में हुई। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है तो वहीं पिथौरागढ़ में बादल फटने से 50 घर तबाह हो गए हैं, जिसके बाद राहत और बचाव का कार्य जारी है। इस काम में NDRF, SDRF और SSB की टीमें लगी हुई हैं। राहत और बचाव के कार्य में जवानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बादल फटने से तबाही का सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि तबाही कितनी हुई है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक के सिन्नर तालुका में भारी बारिश की वजह से कंकोरी गांव में जाम नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण नदी के ऊपर बने हुए पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में गांव वालों को हिदायतें दी जा रही हैं कि नदी के ऊपर बने पुल से जाने से बचें, लेकिन लोग फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण 14 सितंबर तक पूरे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। विभाग ने 11 और 12 सितंबर को गंगीय पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। विभाग ने मछुआरों को शनिवार से सोमवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार से सोमवार तक गंगीय पश्चिम बंगाल और 12 सितंबर से 14 सितंबर तक उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव क्षेत्र के कारण झारखंड में आज से एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। 1 जून से शुरू होने वाले पूरे मॉनसून मौसम के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला ये छठा ऐसा दबाव का क्षेत्र होगा। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज और कल यानी 12 सितंबर को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पूर्वी उत्तरी और मध्य झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसका बड़ा असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवा जिलों में होगा। अगर मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो आज आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण गुजरात, गंगेय पश्चिम बंगाल और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंतरिक उड़ीसा, केरल, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हिस्से, जम्मू कश्मीर और गुजरात के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी गुजरात में हल्की बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।